हेलो एवरीवन, मैं हूँ सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ सैमसंग के न्यूली लॉन्च होम थिएटर की, जिसका मॉडल है आपके सामने HWB670/XL B670। ये नया मॉडल है, होम थिएटर है जो कि सैमसंग का। तो करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और बताते हैं इसके रिव्यू और ये कैसा है देखने में, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है उसकी हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स ओपन करने के बाद आपको ये सब इसके अंदर मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको एक सब वूफर मिल जाता है जो कि मेन है इसका। इसके अलावा आपको जो बैक साइड के दो अलग से वूफर दिए हुए हैं, ये वाले, इनको कनेक्ट करने के लिए आपको ये अलग से बॉक्स भी मिल जाता है, ये वाला। इसके लिए अलग से एक पावर केबल भी दी हुई है और इन दोनों जो साइड बाय स्पीकर हैं, एक्स्ट्रा स्पीकर हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए आपको ये दो वायरें मिलती हैं अलग से, जो इसके अंदर ही अटैच होंगी। इसके अलावा ये रिमोट मिल जाता है आपको सेल, और साथ में आपको ये सारी वायरें वगैरह मिल जाती हैं, जिसके अंदर दो पावर केबल हैं, एक सब वूफर के लिए और एक आपके साउंड बार के लिए। और साथ में अडैप्टर मिल रहा है आपको, ये स्टैंड मिल रहा है अगर दीवार पर आप लगाना चाहते हो उसके लिए। साथ में एक HDMI केबल भी आपको यहाँ पे मिल रही है और ये सब आपको इसके साथ मिल रहा है। और ये है इसका मेन यूनिट जो कि बूफर है, सॉरी साउंड बार है, ये साउंड बार आपको इसके साथ मिल रहा है। तो ये कंप्लीट सामान आपको इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर कंप्लीट मिल रहा है। जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट लुक की। तो चलते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ, दिखाते हैं आपको कैसा है इसका डिज़ाइन। इसकी फर्स्ट लुक, अब जल्दी से इसको कम्प्लीटली सेटअप करने के बाद मिलते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और सारे के सारे फीचर्स के साथ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने साउंड बार को यहाँ पे अटैच कर दिया है सैमसंग की 60 इंचेस BU8000 की LED के साथ वाया HDMI ARC, जो कि ये बैक साइड में लगी हुई है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये साउंड बार अपने साथ लेकर आता है 560 वोट की साउंड विद 5.1 चैनल साउंड आउटपुट के साथ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा सराउंड साउंड मिलता है। वो अभी मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी क्वालिटी का। और इसके साथ आपको देखिए ये वाला साउंड बार है और ये यहाँ पे आपको सब ऑफर मिल जाता है, और इसी के साथ आपको इसके साथ रिमोट वगैरह सब कुछ साथ में मिलेगा। कुछ इस तरह का रिमोट आपको इसके साथ में मिलता है, जिसके अंदर आप इसको पेयर वगैरह कर सकते हो, इनपुट को आप चेंज कर सकते हो, साउंड मोड आप चेंज कर सकते हो, बेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। प्रीमियम रिमोट आपको इसके साथ मिलता है, जिसके ऊपर आपको बहुत ही कम कीज़ मिल जाती हैं। साइड में रियर जो स्पीकर आपको इसके साथ दो अलग से मिलते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए बैक साइड में अटैचमेंट लगा दी है। ये इसका लेफ्ट वाला स्पीकर है जो इस साइड लगाया हुआ मैंने, और ये इसका राइट वाला स्पीकर है जो मैंने यहाँ पे अटैच करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस रूम के अंदर इस होम थिएटर को यहाँ पे कनेक्ट करके रख लिया है कम्प्लीटली। अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ, तो देखिए आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है इसके। एक और वीडियो इसके अलावा एक और आपको प्ले करके दिखाता हूं। आ,
लगा भाई लोग आपको इसका होम थिएटर का साउंड एक्सपीरियंस? काफ़ी दमदार लगा मेरे को। बैक साइड से भी बिल्कुल जो रियर स्पीकर इसके अंदर दिया उनसे भी काफ़ी अच्छी सराउंड साउंड मिलती है, और फ्रंट से भी आपको आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलता है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। मेरे लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अभी इसके अंदर मैंने पीछे एक HDMI पोर्ट लगाई हुई है, ARC के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है इसको, और इसके अलावा ये बेस को मैंने एक अलग से पावर के साथ कनेक्ट किया है जो कि यहाँ पे पेयर हुआ हुआ है। इसी के अंदर आपको जो आपका मेन साउंड बार है वो भी आपका एक अडेप्टर के थ्रू कनेक्ट होता है, जो ये वाला आप अडेप्टर साइड में आप देख रहे हो, ये वाला अडेप्टर मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है, दिखा दिया। ये अडेप्टर के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और बैक साइड में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, दो मैंने यहाँ पे जो इसके रियर स्पीकर है वो आपको यहाँ पे अटैच किए हुए मैंने दिखा दिए हैं। इस होम थिएटर का, इस साउंड बार का जो प्राइस है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो, वहाँ से इसका प्राइस आप चेक करते कर सकते हो। तो मार्केट में आपको किस प्राइस पे ये मिल रहा है वो आप नीचे जाके चेक करें। तो कैसा लगा सैमसंग का ये साउंड एक्सपीरियंस आपके इसी साउंड बार के साथ, जिसका मॉडल है B670 और जिसके अंदर आपको 560 वोट की साउंड मिलती है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपके से दोबारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज़ करते हैं, और दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी नई नई वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और प्रोडक्ट के नई वीडियो के डेमोंस्ट्रेशन के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।